औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सराबा रहमत है और जिसकी शफकत हम सब पर अब्दी है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट, चार्ल्स का पूरा नाम जे चार्ल्स था। फ्रांस में 1740 में पैदा हुआ और फ्रांस में ही उसने वफात पाई और वो 1823 में वफात पाई। स्टूडेंट, चार्ल्स ने 1802 में जो है ये एक कानून पेश किया जिसमें गैस के फैलाव के बारे में उसने तस्करा किया। और स्टूडेंट, चार्ल्स जो है एक साइंसदान भी था, इसके अलावा वो रियाजीदान भी था। और चार्ल्स ने जो है गैसेस पे, टम्परेचर पे और प्रेशर पे जो है काफ़ी काम किया है, जिससे उसको बहुत शोहरत मिली। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारे इस टॉपिक में वो बताना चाहते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट, गैस का जो दिया गया मास होता है उसके वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इफ द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट रहे। मैं आसान लफ्जों में इस तरीके से बयान करना चाहूँगा कि चार्ल्स जो है इस तरीके से डिफाइन करता है कि गैसेस का जो दिया गया मास होता है, मास का वॉल्यूम जो होता है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, और उसके लिए जो है प्रेशर का कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी है। ये उसका जो है डिफाइन है, उसको मैथमेटिकल इस तरीके से लिखा जाता है कि जैसे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन वैसे ही रहता है, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करने के लिए फिजिक्स के असूल के मुताबिक हमें यहाँ पे जो है वो इक्वल का साइन देना पड़ता है और कोई कॉन्स्टेंट देना पड़ता है, तो हम वी इज इक्वल टू के टी लिखेंगे। और के यहाँ पे चूँकि टी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड के लिए वी ओवर टी करेंगे और इज इक्वल टू के आ जाएगा। ये थी इसके जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट जो है ये एक सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर फर्ज का फर्ज के सपोज किया जाता है कि इसके अंदर जो है गैस है और गैस की जो है मिकदार 50 सेंटीमीटर क्यूब है, 50 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसके ऊपर जो है एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल है, ऊपर नीचे जो है उसको किया जा सकता है। जैसे हम जो है इसको, चूंकि इसका इस वक्त टेम्परेचर जो है T1 25 सेंटीग्रेड है, यानी कि जैसा कि रूम टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड, तो उसका वॉल्यूम इस वक्त जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि एज इट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे T1 इज इक्वल टू 25 सेंटीग्रेड और V1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट, चार्ल्स के कानून के मुताबिक जब हम इसको कुछ टेम्परेचर देते हैं तो इसकी जो है गैस के वॉल्यूम में जो है वो इजाफा हो जाता है। यहाँ के दूसरा आप सिलेंडर देखें, उसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और जैसे ही हमने यहाँ पे इसको जो है टेम्परेचर देना शुरू किया, यानी कि इसको जो है हीट मिली है, तो इसके जो है वॉल्यूम के अंदर, गैस के वॉल्यूम के अंदर जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया। तो जब ये 100 टेम्परेचर तक पहुंचता है, इसको जो है 100 टेम्परेचर मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, 100 सेंटीग्रेड पर जो है तक इसको जो है टेम्परेचर दिया जाता है, तो इसका वॉल्यूम जो है गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और वो वॉल्यूम जो है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो है फैलाव होता है। फैलाव स्टूडेंट इस वजह से होता है क्योंकि जो है गैस के मालिकूल रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं, और जो है इस तरीके से इसके फैलाव में जो है वो काफ़ी वसत होती है, फैलने की सलाहियत होती है, इसलिए ये जो है फैलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकल इस तरीके लिखें, T1 = 25 सेंटीग्रेड, V1 = 50
सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसको जब हम हीट देते हैं 100 सेंटीग्रेड पे, तो इसका दूसरा जो है इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम बन जाता है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसकी जो है तस्दीक हो जाती है। एक मतलब मैं फिर इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि चार्ल्स ये कहना चाहता है कि जो गैस का दिया गया मास का वॉल्यूम होता है उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर देंगे उसका जो है वॉल्यूम उतना ही वो बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसका जो है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन, मुझे उम्मीद है आपको समझ आती होगी। इंशाल्लाह तआला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।